खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। रणदीप सुरजेवाला चुनाव हार गए हैं, बड़ा झटका। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला चुनाव हार गए हैं। दीप कमल, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले अभय दुबे, इसके मायने रणदीप सुरजेवाला चुनाव हार गए, लगातार दूसरा चुनाव हारे हैं, और इसका सीधा मतलब यह है कि वो केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर वो उनकी एक भूमिका है, लेकिन हरियाणा की राजनीति में ऐसा करके उनकी भूमिका न केवल शून्य हो जाती है, बल्कि जबकि हुड्डा साहब की भूमिका इससे मजबूत होती है, क्योंकि वो जो खेमेबंदी है कांग्रेस में, उसमें हुड्डा के वो खिलाफ खड़े हुए थे। लेकिन 567 मात्र 567 वोटों का अंतर है। देखिए अनुराग जी, रणदीप सुरजेवाला कैथल में बुरी तरह फंसे हुए थे, उनके लिए सबसे गलत फैसला था जींद से उपचुनाव लड़ना। आपने बहुत कम देखा होगा कि ऑलरेडी अगर कोई विधायक है और विधायक का ही चुनाव लड़े, जींद उपचुनाव में वो बुरी तरह हारे, और उससे कैथल के मतदाताओं में ये संदेश गया कि ये कैथल छोड़ के जाने वाले थे, और यही वजह रहा कि पूरे चुनाव के दौरान रणदीप सुरजेवाला, जो कि खुद को सीएम के जो दावेदार है कांग्रेस के, उनमें से एक थे, वो अपनी सीट से बाहर प्रचार करने नहीं गए।